प्रशंसा हमारे जीवन को बदल सकती है। आपका समर्थन और प्रशंसा की ही बस हमें जरूरत है। कृपया हमारा समर्थन करें, वो हमारे पैट्रन बने और हमारे विशेष फैन बेस्ड शो का हिस्सा बनने का मौका पाएं। लॉग इन करें www.patreon.com/बूंदें पॉडकास्ट और अपना प्यार और समर्थन जताएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आसमान मेरी हद है, उस तो बेहद कुछ नहीं, पहुंचना है मैं मंजिल ते, मैनू मंजिल तो वद कुछ नहीं, बस खुली हवा विच उड़ना मैं चाहवा, होर किसे चीज दी मैनू सुध नहीं, मैनू उड़नों ना कोई रोक सके, जो रोके वो खुद विच खुद नहीं, आसमान मेरी हद है, उस तो बेहद कुछ नहीं। तुसी सुन रहे हो बूंदे दी पॉडकास्ट सर्विस जसलीन कौर दे नाल, ते विषय चल रहा जी उम्मीद दा। दोस्तों, इंसान अजिहा परिंदा है जिस दियां ख्वाहिशां उस दियां उम्मीदां नाल बनिया हुंदियां ने। अपनी ख्वाहिशां नूं पूरियां करन लई ओह दूर उडारियां लाउंदा है एक उम्मीद नाल कि कदे ना कदे ओह मंजिल नूं पाउण विच सफल जरूर होएगा। कुछ ऐसी शख्सियत दी कहानी मैं तुहाडे नाल अज सांझी करन जा रही हाँ। तुहाडे विचों शायद बहुतिया ने उहदा नां ना सुनिया होवे, कोई गल नहीं, मैं दसांगी। मैं गल कर रही हाँ पंजाब दी माणयोग शख्सियत फ्लाइट लैफ्टिनेंट हरिता कौर दियोल दी, जिहदे बारे पढ़ के सुन के ते जान के माण नाल सिर उच्चा हुंदा है। जी हाँ, चंडीगढ़ दी जंपल हरिता कौर दियोल दा जन्म 1972 विच होया। बचपन तो ही आसमान विच उडारियां लाउण वाली हरिता दा एक सुफना सी कि वह इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करेगी, इस उम्मीद नाल कि वह एक ना एक दिन इस सुफने नूं असलियत दा रूप देवेगी, ते होया वी इदां ही। दोस्तों, सन 1992 विच इंडियन एयरफोर्स ने वुमेन पायलट लई 8 वैकेंसीज तो जाणू करवाया, ते लगभग 20,000 अर्जियां पूरे भारत विचों आईयां, जिन्हां विचों 500 अर्जियां नूं स्वीकार किया गया। अलग अलग पड़ावां की प्रीख्या तो बाद कुल 13 उम्मीदवारां की चोण हुई, जिन्हां विचों एक नाम सी मिस हरिता कौर दियोल। यलांका विच एयरफोर्स दियां सारियां ट्रेनिंग्स तो बाद हरिता ने एक ऐसा कदम चक्या जिसने इंडियन एयरफोर्स के इतिहास नूं पूरी तरह बदल के रख दिता। 2 सितंबर 1994 नूं 22 सालां दी हरिता ने एवरो HS-748 नां दे एयरक्राफ्ट विच उड़ान भरी, जिसकी जमीन तो ऊंचाई 10,000 फीट सी। इस तरह वो इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला बनी जिसने बिना को पायलट दे इकल्ले उड़ान भरी सी। उस दिन हरिता कौर दियोल ने भारत का नाम रोशन किया सी ते सुनहरी अखरां विच चमकाया सी। इस तरह हरिता ने उस समय दे समाज दियां औरतां लई एक मिसाल कायम की सी, इस उम्मीद नाल कि औरतां ते मर्दां विच कोई वितकरा नहीं है, दोवें समान ने। 25 दिसंबर 1996 नूं इंडियन एयरफोर्स के 24 कर्मचारियों के नाल भारत का नाम रोशन करने वाला दीवा आंध्र प्रदेश के एक पिंड विच प्लेन क्रैश के दौरान हमेशा लई बुझ गया। भावें हरिता कौर दियोल नाँ का दीवा हमेशा लई बुझिया, पर उसने उस समाज दियां औरतां विच समानता की एक नवी उम्मीद जगाई। हरिता कौर दियोल यह नाँ हमेशा उम्मीद का सितारा बन के सब दे दिलों में चमकता रहेगा। देखा जाए दोस्तों, अज भी समाज में कई थावां ते औरतां नाल असमानता का विहार किया जा रहा है। जेड़े इस विहार नूं उत्साह दे रहे ने, उन्हां नूं यह जान लेना चाहिए है कि औरतां सिर्फ चुल्हे चौंकियां तक ही सीमित नहीं हैं। एक बार उन्हां दे सुपने नूं खंभ तां देख के देखो। उम्मीद है कि असमानता की सोच रखने वाला समाज एक दिन बदलेगा जरूर, ते ये भी समझेगा कि औरतों की समाज विच की थां है। पानी वांग ज्यों नहीं जिंदे, पानी वांग विहा, डिगण वेले झरना बनता, तुरन वेले दरिया। तुसी सुन रहे सी बूंदे दी पॉडकास्ट सर्विस जसलीन कौर दे नाल। तुसी अपने सुझाव अपने विचार साडे नाल सांझे कर सकते हो साडी ईमेल आईडी दे राही। साडी ईमेल आईडी है boonde.podcast@gmail.com। तुसी साडे इंस्टाग्राम पेज बूंदे पॉडकास्ट नूं भी फॉलो कर सकते हो।
बूंदे दी पॉडकास्ट सर्विस सुनने के लिए डाउनलोड करो स्पॉटिफाई। अगले एपिसोड विच फिर मुलाकात होगी, तद तक लई जसलीन कौर नू दिओ इजाजत, धन्नवाद।